हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आपके डिमांड पर मेरे बाग से कुछ टॉप क्लास का गुलाब लेकर आया हूं। और सबसे पहला गुलाब मैं आपके सामने शो कर रहा हूं दोस्तों, ये ब्लैक लेडी है। ब्लैक लेडी दोस्तों, जैसे कि नाम वैसा ही इसका काम। दोस्तों, ये इस ठंड के मौसम में बिल्कुल काले रंग के ही आते हैं। हाँ, हेयर जैसे काले कोई भी गुलाब होते नहीं है। ब्लैक मतलब ये डार्क मैरून कलर के होते हैं, और जितने ज़्यादा आपके एरिया में ठंड होंगे उतने इसके कलर और ज़्यादा डार्क आएंगे। देखिए, इसके कली को बिल्कुल डार्क ब्लैक ही है। और ब्लैक लेडी में दोस्तों बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस होते हैं। काले गुलाब जितने भी हैं उसमें ब्लैक लेडी ही एक ऐसा गुलाब है जिसमें बहुत अच्छे सुगंध है। और ये दोस्तों मेरे पास कई सालों से है, और ये सुबह का समय का लिया हुआ दोस्तों मेरा वीडियो है, तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरह का इसमें खूबसूरती है। क्योंकि जब ओस इसके ऊपर गिरते हैं तो इसके खूबसूरती पे और चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक लेडी का प्लांट बहुत ही बेहतरीन एक गुलाब का वैरायटी है, और मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि रंग के साथ साथ इसमें खुशबू भी है, और इसके सालों भर फ्लावरिंग होने की एक टेंडेंसी है। तो इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेरे गार्डन का जो बादशाह है उसके सामने आपको ला रहा हूँ। दोस्तों, इस प्लांट का या इस फ्लावर का नाम है इम्पराटाइज फारा। दोस्तों, मेरे गार्डन में जितने भी गुलाब है उसमें से अगर टॉप थ्री गुलाब मैं चूज़ करूँगा तो टॉप थ्री में ये गुलाब रहेंगे। ये दोस्तों मेरे बहुत ही एक पसंदीदा गुलाब में से एक है। आप इस गुलाब को देखिए, मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, इसके सेंटर को देखिए। ये जब भी खिलेंगे आपके प्लांट में लगभग एक महीने तक ठंड के मौसम में ये कुछ नहीं होने वाले हैं। एक महीने तक कंटिन्यूस इस तरह के रहेंगे, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और इसके पेटल्स को देखिए किस तरह से मुड़े हुए रहते हैं, और बिल्कुल बेहतरीन दिखने वाले कट फ्लावर के हिसाब से जाएंगे। अगर आप कट फ्लावर में भी इस तरह के गुलाब को दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज ज़रूर मिल जाएंगे। ये देखिए, एक साथ दो फूल खिले हैं मेरे, और काफ़ी ऊंचाई पर ये फूल खिलते हैं। और इसके एक आप इसको डिमेरिट्स कह सकते हैं, बहुत कम इसमें फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। लेकिन जब भी ये फ्लावरिंग पे आएंगे तब इसके सामने सारे चीज़ फीके पड़ जाएंगे, और सारे गुलाब एक तरफ और इम्पराटाइज फारा एक तरफ। इसमें सुंदरता जो है वो मैं बयां नहीं कर सकता, इतने खूबसूरत है इसके फूल के कलर। आगे देखिए और बर्ड्स हैं, और इसी का टेंडेंसी भी यही है कि दोस्तों एक एक लंबा लंबा स्टिक ऊपर आएंगे और उसमें एक एक करके फ्लावर लगेंगे, और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसका फ्लावर लेने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन फ्लावर है, जब भी फ्लावर खिलेंगे तो सारे गुलाब इसके सामने, मैं फिर से कह रहा हूँ, फीके पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं इम्पराटाइज फारा का इंतज़ार करता हूँ कब ये खिले, और जब खिलेंगे दिल को मोह लेंगे। अगला दोस्तों, मैं गुलाब आपके लिए मिनिएचर गुलाब लेके आया हूँ। ये गुलाब दोस्तों फ्लेमबॉयम है, और ये मिनिएचर गुलाब है। देखिए दोस्तों, गुच्छे में ये फ्लावरिंग करते हैं, और सालों भर ढेर सारे फूल अगर लेना है तो आपको इस तरह का प्लांट चूज़ करने होंगे जो कम मेंटेनेंस में अधिक फूल दे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह के मिनिएचर वैरायटी चूज़ कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है और फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, और गुच्छे में फ्लावरिंग करते रहेंगे। देखिए किस तरह से इसके बड्स है, पूरे बट से भर जाएंगे आपके प्लांट, और उसके बाद जब फ्लावर्स आएंगे तब तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा गुलाब के पीछे समय आप नहीं बैग करना चाहते हैं तो आप इस तरह का मिनिएचर रोज़ लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे पास दो ही है अभी फ़िलहाल मिनिएचर रोज़। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ और भी कुछ अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों मैं आगे भी तरह तरह का गुलाब और लाता रहूँगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मैं इतने मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और आगे उन दोस्तों से शेयर कीजिएगा जिन्हें गार्डनिंग पसंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कमेंट सेक्शन में